प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में रविवार को ऐसा कार्ड चला जो कि अगले कुछ महीनों में होने वाले वहां के चुनावों की दशा और दिशा को तय करेगा। पीएम मोदी ने रविवार को मेघालय और त्रिपुरा के कार्यक्रमों से रेड कार्ड का जिक्र करके पूरे नॉर्थ ईस्ट में अभी तक के हुए डेवलपमेंट को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी ने राज्य में गृह प्रवेश योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत की है। इस दौरान उन्होंने कहा, आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इन घरों को बनाने में कुल 3400 करोड़ की लागत आई है। इससे 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ हुआ है। अगरतला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं त्रिपुरा के लोगों का अभिवादन करता हूं कि आप सबके प्रयास से यहां स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान आपने चलाया है। बीते 5 वर्षों में आपने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। इसी का परिणाम है कि इस बार त्रिपुरा छोटे राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। मेघालय के शिलोंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में NEC की बैठक संपन्न की है। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल NEC के कार्यों की सराहना की है बल्कि क्षेत्र के विकास का रोड मैप भी तैयार किया है। गृह मंत्री ने कहा कि अब हर 15 दिन में एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट का दौरा करते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने PM बनने के बाद 50 से ज्यादा बार इस क्षेत्र का दौरा किया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसी क्रम में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में उन पर हमला करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर फोकस है लेकिन कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच चल रहे विवाद पर नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सितंबर में शुरू हुए कांग्रेस के इस पैदल मार्च में भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान के दौसा जिले से होकर गुजर रही है। राज्य के बड़े नेता व पूर्व CM सचिन पायलट यात्रा में राहुल गांधी के साथ लगातार पैदल चल रहे हैं। रविवार को जैसे ही राहुल गांधी ने राजस्थान के दौसा से पैदल मार्च शुरू किया, सचिन पायलट के समर्थन में नारे सुनाई दिए। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल होने के बाद रविवार को दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन में उन्होंने आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करके पार्टी के विजन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो 2027 में गुजरात में सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 1395 प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार में प्रतिभा को सम्मान व युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। अब नियुक्तियां भ्रष्टाचार मुक्त हैं। PSC बल अपने शौर्य व साहस के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में PSC जवानों ने बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही त्योहारों, चुनाव व हर बड़े अवसर पर सराहनीय योगदान दिया है। देश के अन्य राज्यों में भी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए PSC के जवान सदैव तत्पर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो लोग जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे, लोगों का हक मारते थे, जो गुंडागर्दी करते थे, हजारों एकड़ जमीनें जिन्होंने दबा रखी थी और कांग्रेस की सरकार एवं दिग्विजय जैसे लोग उन्हें खाद और पानी देते थे, उनसे हमने 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।